पखवाड़े की रिपोर्ट। आज दिनांक 10 जनवरी 2020 को ब्यावरा जनपद के ग्राम पंचायत खुरी में राजगढ़ रोड पर नवनिर्मित श्री सावरेज गौशाला का लोकार्पण नगरीय एवं प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह के द्वारा किया गया। लोकार्पण के इस कार्यक्रम में ब्यावरा विधायक गोवर्धन दांगी, ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह, गंगाबाई चौहान, रसना भार्गव, पप्पू जाटव, कांग्रेस के कई नेता गण, ग्राम खुरी की जनता आदि उपस्थित हुए। ग्राम खुरी की यह गौशाला महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना मध्य प्रदेश के अंतर्गत बनाई गई। मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना के अंतर्गत इसकी लागत 27,72,000 बताई जा रही है। ताजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। अंबेडकर साहब के आशीर्वाद से, सरदार वल्लभ भाई पटेल के आशीर्वाद से, लेकिन आज जो देश भर में कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं लड़ाई करवाने का, मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या मध्य प्रदेश में एक भी ऐसा व्यक्ति है जो इस देश का नहीं है? कोई ऐसा व्यक्ति मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश छोड़ो, क्या राजगढ़ जिले का एक भी ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति ऐसा है जो इस देश का नहीं है? कोई है ऐसा व्यक्ति राजगढ़ जिले में जो इस देश का नहीं है? हर राजगढ़ जिले का निवासी इस देश का व्यक्ति है। तो फिर ये जो CAA है और ये जो NRC है, इसको काई मतलब राजगढ़ जिले में? क्या आप सब मेरी बात से सहमत हैं? ये बात जरूरी है कि ये बात राजगढ़ जिले के हर एक शहर में, हर एक गांव में फैले कि जब इस क्षेत्र का हर एक नागरिक इस देश का है, तो किसी को भी ये बात साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सबको, आप सब पर विश्वास है। मैं पुनः आज के कार्यक्रम के लिए माननीय विधायक जी को, माननीय सरपंच साहब को और हमारे प्रशासन के सभी जो साथीगण जिन्होंने इसमें सहयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। अभी तो प्रति जनपद क्षेत्र में 5-5 गौशालाओं हमने दी है। अब अगले चरण में, क्योंकि अब नया साल चालू हो गया है, तो अब हमारे विधायक जी कह रहे हैं कि इनने तो 25-25 और स्वीकृत करा दी है, तो और 2 स्मार्ट गौशालाएं भी हैं जिसमें 1,000 गौ माताओं के लिए जगह दी जाएगी। तो मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। एक और जो मांग रखी गई है कि खुरी पंचायत में एक सामुदायिक भवन का भी निर्माण किया जाए, तो ये भी आज वैसे भी जिला योजना की बैठक है, उसमें इसको स्वीकृत करवा देंगे। पुनः सभी को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। माता का घर का लोकार्पण करने आए हमारे यशस्वी, हमारे प्रभारी मंत्री, हमारे पूरे राजगढ़ जिले के नहीं, आप भी तो मध्य प्रदेश के लाडले हमारे नेता आदरणीय जयवर्धन सिंह साहब, बाबा साहब, मंच पर उपस्थित जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय नारायण सिंह जी आमलाबे साहब, कार्यक्रम में उपस्थित जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय रामचंद्र जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जुझारू और लोकप्रिय विधायक आदरणीय बापू सिंह जी तंवर साहब, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मंच पर आसीन आदरणीय डॉक्टर भारत वर्मा जी, आदरणीय चंद्र सिंह जी, आदरणीय ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के समस्त अध्यक्ष आदरणीय क्रांति जी, आदरणीय महेंद्र जी, आदरणीय हुकुम जी, आदरणीय गोपाल वर्मा जी, आदरणीय मोहन लोधी जी, श्याम पालीवाल जी, उपस्थित सभी शक्ति स्वरूपा माता बहने, उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित यहाँ पर प्रशासनिक अमला, आदरणीय जिला पंचायत सीओ साहब, SDM साहब, SDOP साहब और समस्त जनपद के अधिकारी कर्मचारी और विशेष रूप से यहाँ उपस्थित मीडिया, कि किसी व्यक्ति को इस देश की नागरिकता मिल सके। मैं तो मोदी जी से कहना चाहता हूं और केंद्र सरकार से भी ये कहना चाहता हूं कि हमारी पुरानी कहावत है
कि भूखे पेट भजन नहीं हो तो गोपाला, पहले रोजगार दिला दो, ये सब चीजें बाद की बातें हैं, बाद में करना। पहले परिवार को पालने के लिए रोजगार दिला दो, घर चलाने के लिए रोजगार दिला दो, भविष्य बनाने के लिए रोजगार दिला दो, उसके बाद बात की बातें करना। यही आप सबके बीच में मैं अनुरोध करना चाहता था। यह गौशाला मध्य प्रदेश सरकार की ओर से ग्राम खुरी के निवासियों की ओर समर्पित हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।